तो कुछ इस तरीके की वीडियो है जहां पर आप लोग 60 इधर आ जा भाई नहीं तो गिरेगा तू। तो भाई साहब ये रहा अपने पास आज का एक दमदार फोन जो है IQ 90। और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। तो देखो ये जो फोन मेरे हाथ में है ना, ये इंडिया में आप कह सकते हो अभी सबसे मोस्ट पावरफुल फोन देखने मिलता है, क्योंकि इसके अंदर IQ ने बोल सकते हो अभी का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, स्नैपड्रैगन 8 Gen+1 प्रोसेसर लगाया है। और इस फोन के अंदर है ना 2 प्रोसेसर लगकर आते हैं, आगे बताता हूँ किस तरीके से क्या है सब कुछ डिटेल में। भाई हम लोग का नसीब पता नहीं इतना खराब या जो भी है, इसका आउटडोर बीरोल लेने आया है और बाहर देखो मस्त में बारिश चालू हो गया, कैमरा वापस अंदर रखना पड़ा। कुदरत भी नहीं चाहती है कि भाई हम लोग आउटडोर शूट जाके कर रहे हैं लिटरली भाई। तो चलो एक बार ना एकदम फटाफट अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, हालांकि मैं अनबॉक्स वगैरह कर चुका हूं और टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ करके देख चुका हूं। तो यहां पर मस्त में IQ 90 लिखा हुआ है और चलो फटाफट यहां पर गए और ये रहा अपना मेन डिवाइस, सारी चीजें निकाल ली हमने। तो एक्चुअली एक ट्रांसपेरेंट केस कवर मिलता है बॉक्स के अंदर, टाइप सी टू 3.5 mm जैक का कन्वर्टर है, सिम इजेक्टर टूल वगैरह सब कुछ है। और भाई साहब 120 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर है, 6 एम्पेयर की केबल है, यहाँ पर कुछ पेपर वर्क। तो हालांकि IQ ने मस्त में ऐसा BMW के साथ पार्टनरशिप वगैरह करके रखी है ऐसा स्पीड वगैरह दिखाने के लिए। जो मेरे पास वेरियंट है ना ये अल्फा वेरियंट है, दूसरा वाले में ऐसा BMW की स्ट्राइक वाइप मस्त में दे रखी है। और ये ना यहाँ पर एकदम हल्के ऐसे टेक्स्ट में लिखा हुआ है फैशिनेशन मीट्स इनोवेशन। और इसका जो बैक साइड का आप डिजाइन देखोगे ना तो ये जो पैटर्न है ना ये आपको थोड़ा सा मैटी और स्मूथ टाइप में देखने मिलेगा और लाइक लिटरली ना हाथों में बहुत अच्छी प्रीमियम फील निकाल के देता है। और ऊपर की तरफ जो डिजाइन है ना कार्बन फाइबर जो डिजाइन होता है ना और थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है जो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। और इसमें एक अच्छी बात बताऊं क्या है, ये सेल्फ हीलिंग है, मतलब खुद को रिपेयर कर लेता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे स्क्रैच मार दिया मस्त में एकदम तगड़ा सा आ गया, यहाँ पर अगर आप इसे इस तरीके से लेके जाओगे तो भाई साहब हो गए एकदम सेल्फ हील, खुद से रिपेयर होने वाला फोन, मतलब खुद के स्क्रैच ठीक करने वाला फोन कह सकते हो। मोस्ट ऑफ क्या होते हैं कुछ ऐसे रफ यूजर होते हैं टेबल पे ऐसे रख वख के छोड़ देते हैं और वहां पर आते हैं फोन पे मस्त वाले स्क्रैचेस। तो देखो आप लोगों को वैसे ही पता है कि IQ जो अपने फोन डिजाइन करता है ना लाइक वो फास्ट हो गए स्पीड हो गए और जिस टाइम पे जो प्रोसेसर ऐसा तगड़ा आके रखा हो जाता है ना तो IQ बोलता है सबसे पहला हम लेकर आएंगे ये फोन। प्राइसिंग भी काफी ज्यादा मस्त एग्रेसिव रखता है। एक मिनट फिर से कुछ ऐसे बात बतानी थी, बैड डायलॉग डिलीवरी। अभी थोड़ी सी और बातें मुझे आपको बतानी थी तो इसके लिए मैं वापस सो रहा कि चलते चलते आपको बता दूं। तो अभी ये फोन आप लोगों को मिलने वाला है August 2 को 12:30 बजे इसकी सेल चालू हो जाएगी। और साथ में ना IQ ने कहा है कि इस पर है ना 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स, मतलब एंड्रॉइड 12 इसके अंदर आ रहा है, 13, 14, 15 तक आपको मिल जाएगा और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेंगे। 2 वेरियंट में लॉन्च किया है IQ 90 को। स्टार्टिंग प्राइसिंग होने वाली है 8 GB की, वो 50,000 रुपीज की है और जो 12 GB वाला वेरियंट है उसकी 55,000 रुपीज की प्राइसिंग है। ICICI का कार्ड लगाओगे तो 4,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी सर्विस सेंटर वगैरह को लेकर बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई क्या सीन है, तो IQ का जो सर्विस सेंटर वाला काम है ना वो Vivo संभालता है। तो एक बात मैं आप लोगों को ऐसा क्लियरली बता देता हूँ, IQ ने ना ये फोन मुझे भेजा है, ठीक है उनका काम हो चुका है, अब मेरा काम है रिव्यू देना। तो यहाँ पर जो भी थॉट्स होंगे जो भी सारी चीजें बातें हैं ना सब मेरे थॉट्स हैं, काफी दिनों से इस डिवाइस को यूज कर रहा हूँ और उसके बाद आप लोगों को एक मस्त तरीके का रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी ऐसा टेंशन वाला काम नहीं है कि भाई आपको मैं कुछ भी बता के निकल जाऊंगा, एकदम प्रॉपर जेन्युइन रिव्यू आपको मिल जाएगा। मेरे पास डिवाइस ऐसा 5 दिन पहले आया था लेकिन मैं इसको 3 दिन पहले लाइक ऐसा चालू कर दिया और स्टार्ट कर दिया यूज करना। और इस बार है ना स्क्रीन पे जो फ्रंट में जो प्रोडक्शन दिया ना स्कॉट सेंसेशन अल्फा दे रखी है और पीछे की तरफ AG ग्लास मिलता है और साथ में आप डुअल सिम इसके अंदर लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड का एक्सपांड का कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है और 3.5 इंच का गड्ढा नहीं आता है, लेकिन उसके लिए बॉक्स के अंदर कन्वर्टर दे दिया है। बड़े साइज का फोन पसंद है तो यहाँ पर ही आपको अच्छा लगेगा। और कैमरा बम्प भी एकदम हल्का सा देखने मिलता है, जिस तरीके की बॉडी है काफी प्रीमियम लगता है। और अगर इसका वेट भी चेक करें ना तो यहाँ पे रख दिया हमने 206 ग्राम और साथ में कवर के साथ लोगे तो 224 ग्राम। सो लाइक इसका 206 ग्राम है ना किसी को हैवी लग सकता है और किसी को थोड़ा बहुत लाइक ठीक है चल जाएगा ऐसा वाला बात। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 2 प्रोसेसर आते हैं इसके अंदर, तो दूसरा जो प्रोसेसर है वो V1+ चिप है बेसिकली जो आपने Vivo के X80 Pro सीरीज में देखी थी। अब उसका लगाने का रीजन देखो सबसे पहले क्या है, तो जब आप लो लाइट में जब फोटोज खींचोगे ना तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप फोटो खींचते हो तो आपको रिजल्ट बाद में पता चलता है कि लो लाइट में कैसी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, मतलब कैसी फोटो
आएगी, लेकिन आप वो ना ऑन स्क्रीन मतलब डिस्प्ले पे देख सकते हो कि किस तरीके से आपको फोटो आउटपुट मिलने वाला है। और V1+ का एक और बेनिफिट है, जब आप गेमिंग करने बैठोगे तो जब BGMI वगैरह गेमिंग है तो 60 FPS अभी फिलहाल सपोर्ट है। फ्रेम इंटरपोलेशन का जो ऑप्शन रहता है उसे ऑन करते हो, लाइक EMMC जो बेसिकली जो मोड कह सकते हो, वो आपको ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो गेमिंग है ना 60 के बदले आपको ऐसा फील करवाएगा कि लाइक 90 FPS या 80 FPS इस तरीके से दे रहा है। अब सबसे मेन बात होने वाली है कि Snapdragon 8+ Gen 1 है, ये कितना ज्यादा अच्छा है ओल्डर जेन। लास्ट टाइम जो 8 Gen 1 थे उसको सैमसंग मैन्युफैक्चर्ड कर रहा था, तो इस बार जो मैन्युफैक्चर्ड किया है वो TSMC है। इस बार मैं सच कहूंगा, बहुत अच्छे से कहूंगा, दिल से कहूंगा कि जो 8 Gen 1 की जो पावर है वो लिटरली तो निकल कर आती है, और जो गर्माहट होती थी ना प्रोसेसर में वो इस बार बहुत कम देखने मिल गई है। लाइक लास्ट जेन से आपको लाइक 35-36% का ऐसा बूस्ट देखने मिल जाएगा। और सबसे मेन तो गलती यही हो रही थी कि लास्ट प्रोसेसर में कि वो हीट बहुत करते थे, और इस बार वो हीटिंग वाला काम दूर दूर तक नहीं देखने मिल रहा है। मतलब है बट इतना भी बिल्कुल नहीं है जैसे लास्ट में ऐसा जलने वाला काम हो जाता था। मैं आपको थोड़े से टेस्ट वगैरह करके दिखाता हूँ। लाइक मेरे पास एक फोन है जो है सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है। इन दोनों को साइड बाय साइड में हम लोग कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ने एंटीडू बेंचमार्क कंपेयर करके देखा है, तो यहाँ पर आपको हायर परफॉर्मेंस या हायर नंबर देखने मिल जाएंगे IQ9T के अंदर। और उसके बाद में CPU थ्रॉटल में भी आप देख सकते हो कि लॉन्ग टाइम तक रन करने के बाद में भी जो स्कोर आ रहे हैं, और उसके बाद में जो हीटिंग है। Geekbench 5 को भी हम लोग ने साइड बाय साइड रन करके देखा है, तो अगर ऐसे थोड़ा सा जज करना चाहेंगे ना, तो CPU थ्रॉटल जो ग्राफ है ना वहां पर अगर हम लोग इसे चेक करें तो होता क्या है कि मुझे परफॉर्मेंस है ना मोस्ट टाइम ऐसा लाइक हाई पीक पर मिलती है, और जो ग्राफ है ना ऐसा नीचे रेड की तरफ नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर भाई आप पूछोगे कि अब गेमिंग कैसी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को यही जानना है कि ये जो प्रोसेसर गेमिंग में किस तरीके की काम करके देने वाला है। तो यहाँ पर BGMI के अंदर आपको ऑल ग्राफिक्स के अंदर आपको एक्सट्रीम मिलता है, यानी कि 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। आई विश यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है 90 FPS की गेमिंग अनलॉक करके दे देता, लेकिन अभी के लिए टाइम फिलहाल तो नहीं है, बट शायद आगे जल्दी से देखने मिल जाएगी। तो देखो इस फोन का जो ओवरऑल जायरो परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अच्छा है, तगड़ी तरीके से चलता है। अब मैंने इसके अंदर बैलेंस के अंदर गेमिंग करके देखी थी 60 FPS की, तो TDM पे जो परफॉर्मेंस आ रही थी सब तरीके से मस्त तरीके से चलता है। और जो इसका EMMC जो फ्रेम इंटरपोलेशन वाला जो पार्ट आता है उसे भी मैंने ट्राई करके देखा था, वहां पर मुझे FPS तो मिल रहे थे लाइक वो 60 के अबव जा रहे थे। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप लोग जो नॉर्मल ग्राफिक सेटिंग्स है ना उस पे रख के गेमिंग करना, कंसिस्टेंट 60 FPS की परफॉर्मेंस तगड़ी तरीके से मिलने वाली है। क्योंकि मैंने बूट कैंप पर गया और बूट कैंप पर भाई तगड़ी तरीके के 60 FPS आ रहे थे, मतलब लिटरली काफी तगड़ी तरीके से काम कर रहा था। तो यहाँ पर एनिमीज आसपास में भी अगर हो रहे हैं तो मैंने ऐसे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखे, FPS को ऐसे गिरते हुए देखे नहीं। और इसके अंदर आपको एक ईगल आई मोड भी मिलता है जो आपको गेमिंग के टाइम पे ज्यादातर देखने मिलेगा। तो जब आप इसे ऑन करोगे ना तो आपका जो लाइक HDR से आपका HDR के अंदर आपका जो व्यूइंग एंगल से पूरा कन्वर्ट होता है, लाइक कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है, थोड़ा सा सैचुरेटेड बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से आप एनिमीज को थोड़े से और अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो एट दी एंड अगर सिंपल बात बोलूं ना तो देखो 2x एंटी अलाइजिंग भी ऑन करके देखा था और वहां पर 60 FPS की परफॉर्मेंस काफी सही तरीके से निकल कर आती है। आपको FPS काउंटर के साथ में रियल टाइम पे पूरा डेटा देखने मिल जाएगा गेमिंग किस तरीके से भाई साहब निकाल के देने वाला है। आई बटन में इनमें चेक कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाकी देखो 6.7 inches का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, और इस बार ये E5 AMOLED डिस्प्ले है। बैटरी एफिशिएंट देखने मिलता है, जो पावर सेविंग वाला पार्ट है वो भी इंटरेस्टिंग निकल कर आ जाएगा, और साथ में जो कलर्स है वो भी अच्छे निकल कर आने वाले हैं इस पैनल पर। और साथ में 120Hz की स्मूथ आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगी, जो आपको स्विच होती हुई दिखेगी। लाइक किसी एप्लीकेशन पे अगर थोड़ा सा लाइक 60-90 पे काम चलता है तो वहां पर स्विच कर जाएगा, और जब हायर चाहिए तो 120Hz पर भी आप इसे कॉन्स्टेंट रख सकते हो। तो अगर जब आप गेमिंग करोगे तो आपको जो 360Hz का टच सैम्पलिंग मिलता है और साथ में 1200 का इंस्टेंट टच भी मिल जाएगा। तो देखो बात सिंपल है यार, कलर्स को लेकर या डिस्प्ले को लेकर कोई टेंशन नहीं है, कलर्स वगैरह सब मस्त तरीके से निकल कर आते हैं। मैंने जितना फर्स्ट इंप्रेशन में ट्राई करके देखा YouTube पर हो गया या फिर Netflix पर हो गया, कंटेंट आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करने वाले हो। और ऊपर की तरफ छोटा सा पंचोल कैमरा मिलता है जो ज्यादा डिस्टर्ब आपको नहीं करने वाला है। और इस बार इस डिवाइस पर आपको आयर ब्लास्टर भी दे रखा है, तो जो काफी अच्छी बात निकल कर आती है। और अगर इसका स्पीकर चेकआउट करना है ना तो यहाँ पर ये फुल पे गया, मैंने जितना स्पीकर टेस्ट आउट करके देखा है ना तो लाउडर मिलता है और अच्छा मिलता है, 70-30 वाला रेशियो निकल कर आता है। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पर आपको FunTouch OS 12.1 मिलता है और ये Android 12 पे रन कर रहा है। इस बार आईको ने क्या किया कि जो ब्लोटवेयर्स में ना लाइक जो MS तकाडक हो गया, मौज हो गया, और जो शेयर कुछ तो चैट करके था वो इस बार रिमूव कर दिया है। बट फिर भी हल्की फुल्की कुछ ऐसे ब्लोटवेयर एप्लीकेशन हमें मिल जाती है, जैसे कि बाइजूस हो गया, Spotify हो गया, बट अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, और लग रहा है तो यूज कर लेना।
जिसके यूज आ रही है तो अच्छी बात है। और इसकी जो हैप्टिक्स भी ना ड्यूअल एक्स एक्सिस मिलता है और इतना है कि जब आप टाइपिंग वगैरह करते हो ना जो रिस्पांस है ना वो भी अच्छा निकल कर आता है। एमोलेड डिस्प्ले ऑफकोर्स, तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो मस्त काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिव है। तो अभी तक मैंने जितने भी IQ के फोन ऐसे रिव्यू वगैरह करे हैं और उसका जो फ्रंट टच ओएस है ना काफी क्लीन और ऐसा मिनिमल लगता है और अच्छी तरीके से अपना काम करता है। तो इतना है कि स्मूथ एक्सपीरियंस है जितना मैंने अभी तक इसे यूज करके देखा है। और ये 5G डिवाइस है जिसके अंदर टोटल 9 5G के बैंड्स है और डुअल बैंड वाईफाई वगैरह ऑफकोर्स वो सब कुछ रन करने वाला है। ब्लूटूथ 5.2 है, NFC भी है और इस बार IP52 की भी रेटिंग दे रखी है। तो इसके अंदर है ना प्रैक्टिकल कैमरा आता है। IQOO 90 में टोटल 3 कैमरास आते हैं, तो मेन 50 MP का OIS के साथ में आता है, 13 MP का अल्ट्रा वाइड है जो मैक्रो में भी काम कर सकता है और 12 MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 16 MP के साथ में। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना IQOO 90 से हम लोग शूट कर रहे हैं 4K एट 60 FPS में और यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन ऑन है। अभी जो वीडियो हम लोग खींच रहे हैं 1080p 60 पे खींच रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन ऑन रखा हुआ है। फिर अल्ट्रा भी मिलता है और ज्यादा स्टेबल करने के लिए, जो सैंपल आप लोग बेसिकली देख पाओगे यहाँ पर अलग से शूट करके डाल दूंगा, और नॉन स्टेबलाइजेशन भी मिलता है जिसकी भी फुटेज आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो की स्टेबिलिटी आप लोगों को आइडिया आ रही और मस्त में बारिश हो रखी है। और ये जो वीडियो है ना 1080p 30 FPS पर आप अल्ट्रा वाइड शूट कर सकते हो और ये स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन ऑन करके रखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके की स्टेबल वीडियो आप लोगों को भाई साहब IQOO 90 से मिल जाएगी। और ये वीडियो 1080p 30 FPS पर फ्रंट पे शूट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की क्वालिटी आएगी, स्टेबलाइजेशन वगैरह भी कुछ इस तरीके का ही है। सो ब्लॉगिंग के लिए किस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो या फिर नॉर्मल वीडियोस के लिए वो भी आपको पता चल जाएगा। और रही बात यहाँ पर इसकी मेन फोटोज, मैंने जितनी भी ट्रैवल करी डे लाइट के अंदर मुझे कोई शिकायत नहीं है, सारी फोटो तगड़ी तरीके से आती है। लाइक अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे भी फोटोज खींचते हो तो स्लाइटली कभी कभी क्या होता है कि जो फेस पे ना वो व्हाइट टोन हल्का सा देता है लेकिन इतना ज्यादा देखने नहीं मिलता, पोर्ट्रेट वगैरह काफी तगड़ी तरीके से आ रहा है। और जो अल्ट्रा वाइड 13 MP का मिलता है तो जिसकी वजह से डे लाइट के अंदर जो डिटेल्स है वो भी और अच्छी तरीके से निकल कर आ जाती है। और मैंने जितनी भी फोटो इसके साथ खींची है ना तो लिटरली ऐसा फील होता है कि अब मैं इसे सीधा डायरेक्ट सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता हूँ विदाउट एनी एडिट। इवन हार्दिक भी यूज कर रहा था और उसने तो डायरेक्ट मतलब चढ़ा दिया फोटो। इतना मैं कहना चाहूंगा कि यस, इसकी जो कैमरा सेटअप है बहुत कंसिस्टेंट काम करता है और IQOO के जितने भी फोन है, फॉर एग्जाम्पल IQOO नियो 6 भी ले लो, वो भी बहुत तगड़ी तरीके का परफॉर्मेंस देता है कैमराज को लेकर भी। तो देखो मैंने इसका मैक्रो कैमरा भी चेक कर रहा था और जो इसका मैक्रो कैमरा की जो डिटेल्स निकल कर आई थी ना भाई, मस्त में दिल खुश हो गया था। तो इसके जो मैक्रो शॉट्स है ना बहुत ज्यादा प्यारे निकल कर आते हैं। और अगर आप लोग स्लो मोशन वीडियो वगैरह लेना चाहते हो तो इसके ऊपर है ना 1080p पर 240 FPS का स्लो मोशन आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके जो डिटेल्स और स्लो मोशन की जो क्लैरिटी है ना भाई वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी निकल कर आती है। आप लोग कुछ सैंपल यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बरसात के मौसम में निकला था मैं मस्त में, बोतल हाथ में नहीं थी लेकिन फोन हाथ में था। बरसात के मौसम में बोतल भी, और क्या ही मस्त स्लो मोशन यहाँ पर बेसिकली देखने मिलते हैं। अभी देखो इस फोन के अंदर जो बैटरी है ना 4700 mAh की बैटरी आती है और बॉक्स के अंदर जायंट 120W का चार्जर है। लाइक 11 से 12 मिनट के अंदर आपका पूरा फोन 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। नहाने चले गए और फोन आपका जब तक बाहर आ रहा है मस्त में चार्ज वार्ज होके फुल एकदम रेडी है। एक तो E5 डिस्प्ले है और साथ में जो ऑप्टिमाइजेशन है ना IQOO का इसके सॉफ्टवेयर को लेकर और जो रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा है और जिसकी वजह से आपको जो बैटरी लाइफ है ना ज्यादा देखने मिलने वाली है। एक नॉर्मल कैजुअल यूजर की तरह से यूज करते हो लाइक अपना व्हाट्सएप चैट कॉल वीडियो स्ट्रीमिंग कर ली, गेमिंग कर ली हल्की फुल्की, कैमरा यूज कर लिया, तो ये फोन आपको एक दिन के अंदर का बैकअप आराम से देने वाला है। तो सबसे जरूरी बात अब करते हैं। अब ये IQOO 90 तो लॉन्च हो गया है और ना OnePlus 10T भी लॉन्च होने वाला है कुछ अराउंड 4-3 अगस्त के आसपास में कुछ आने वाला है और उसकी सारी स्पेसिफिकेशन सब कुछ आ चुका है क्योंकि दोनों फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का प्रोसेसर मिलने वाला है और साथ में दोनों ही फोन के अंदर LPDDR5 RAM होगा, UFS 3.1 की स्टोरेज निकल कर आएगी। लेकिन IQOO 90 के अंदर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर और देखने मिलेगा V1+ चिप क्योंकि वो आपको काम आने वाला है गेमिंग में और साथ में जो आपकी लो लाइट फोटोग्राफी है वहां पर भी आपको मतलब ऐसा बेटर पावर वगैरह निकाल के देगा और वो हमें 10T के अंदर देखने नहीं मिलने वाला। बाकी दोनों फोन के अंदर 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा पर बात यहाँ पर यह है कि जो OnePlus 10T है ना उसके अंदर आएगा E4 AMOLED डिस्प्ले और यहाँ पर 90 के अंदर E5 AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है जो आपको मैंने पहले समझाया और जो 10T की ना पीक ब्राइटनेस है ना वो 1300 nits की होने वाली है और इस भाई साहब की 1500 nits निकल कर आती है। तो आउटडोर क्वालिटी हो गया या फिर आपका HDR का कॉन्टेंट हो गया वहां पर आपको बेटर या फिर बोलते हैं ना ज्यादा ऐसा रोशनी देखने मिलेगी 90 पर और दोनों ही फोन की रिफ्रेश रेट 120Hz की होने वाली है और जो 10T के अंदर ना बैटरी होने वाली 4800 mAh की और साथ में 150W का चार्जर आएगा। इसके अंदर हमें 4700 और 120W का चार्जर मिलने वाला है। सो ओवरऑल कह सकता है ऐसा बैलेंस वाले सीन निकल कर आ जाता है। रही बात कैमरास को लेकर तो दोनों के मेन कैमराज
वर्जन है 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन यहाँ पर जो OnePlus 10T है ना वहां पर आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो मिलता है, जबकि यहाँ पर आप लोगों को 13MP का अल्ट्रा वाइड और उसको ही आप मैक्रो में ले सकते हो और जो 12MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है। तो कोई ऐसे यूजलेस ऐसे बेकार के कैमराज नहीं है, जो एक्चुअली में आप यूज करने वाले हो ना वही सेम चीज आपको 90 में मिलेगी। मैक्रो कैमरा आप डेडिकेटेड अलग तरीके से तो कुछ यूज करके मतलब नहीं है, और ऊपर से 8MP का अल्ट्रा वाइड है जो लो लाइट में जो डिटेल्स भी है वो भी मिस आउट कर देगा। और आप लोगों को शायद से पता ना हो, और अगर आप लोगों को बता दूं एक बार कि रिसेंट टाइम में जो OnePlus के जो कैमरास भी है ना ऐसे कोई तगड़े काम नहीं कर रहे हैं, मतलब देखने जाओगे ना बहुत ज्यादा ऐसा मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से निकाल के देनी चाहिए। बट वहीं मैंने जब इस भाई साहब का 90 का जो कैमरा यूज करना चालू किया ना, ओ भाई साहब क्या ही तगड़े रिस्पॉन्स निकाल के देता है। और दोनों ही फोन के अंदर VC लिक्विड कूलिंग बेसिकली मिल जाएगा आप लोगों को, और इसके अंदर आपको डुअल X-axis मोटर मिलती है और जो 10T के अंदर सिंगल X-axis मोटर आएगी, और यहाँ पर आपको मॉन्स्टर टच वाला भी मिल जाता है। बेसिकली ये चीज आपको जो गेमिंग में काम आएगी मॉन्स्टर टच वाला जो बात है। तो 90 और 10T दोनों के अंदर आप लोगों को ना 8GB और 12GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर OnePlus के पास आपको 16GB रैम वाला वेरिएंट भी मिलेगा। 8GB वाला जो यहाँ पर 50,000 का मिल रहा है, इफेक्टिव प्राइसिंग लगाकर कुछ 46 में आ जाएगा। वहीं जो OnePlus है इफेक्टिव प्राइसिंग में लगा लो या फिर इसके जो मेन प्राइसिंग में है, मेरे हिसाब से 55 से चालू करेगा आराम से, ऐसा मुझे फील होता है। तो जब OnePlus 10T लॉन्च होगा उसको भी लेंगे और इस दोनों को साइड बाय साइड से टक्कर कड़ा कॉम्पिटिशन करेंगे और देखते हैं कि और क्या चेंजेस दिखने मिलते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे थे ना कि आप 50,000 के अंदर एक पावर फोन ढूंढ रहे हो और कैमरा भी अच्छा हो, ओवरऑल दिखने भी अच्छा हो, तो उस पर आपको जो 8+ Gen 1 की जो परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाली है इस डिवाइस iQOO 90 पर। और देखो अगर आप लोग iQOO 90 को अगर ऐसा विन वगैरह करना चाहते हो तो देखो Amazon या फिर Google पर आप जाके सर्च कर सकते हो iQOO 90 का जो कॉन्टेस्ट चालू है, और अगर आपको जीतना है तो पार्टिसिपेट कर लेना फटाफट। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन है जो मुझसे छूट गए तो भाई कमेंट ऑप्शन खुला है, फटाफट कमेंट करो। बाकी अगर आप लोगों को एक चीज और अच्छी लग रही है ना, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन उसे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग iQOO 90 की गेमिंग परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। iQOO Neo 6 की गेमिंग रिव्यू जाननी है वो भी 90 FPS वाली, तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आप लोगों को और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय 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 बाय।